नेटफ्लिक्स में आज मैंने फुल मेटल एल्केमिस्ट द रिवेंज ऑफ स्कार देखा। ये बेसिकली 2017 को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ फुल मेटल एल्केमिस्ट का सीक्वल है। तो कैसा लगा ये मूवी? अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ, बच्चों के लिए ये मूवी एंटरटेनिंग है, लेकिन हम लोगों के लिए ये मूवी एकदम ही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, क्योंकि इस मूवी का मतलब कोई भी पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस वजह से मैं आपको बोलूँ कि ये मूवी आप देखें। ये मूवी आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा, ना ही इसका एक्टिंग अच्छा है, ना ही इसका एक्शन अच्छा है, ना ही इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना ही इमोशन सीक्वेंस अच्छा है, ना ही सीजीआई ग्राफिक्स का काम अच्छा है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगे। तो आपको क्यों मैं टाइम बर्बाद करके 2 घंटा 8 मिनट टाइम बर्बाद करके क्यों मैं देखने के लिए बोलूँ? तो ये बेकार का मतलब एक मूवी है, जिस मतलब बच्चों के लिए ये मूवी एंटरटेनिंग होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये मूवी एंटरटेनिंग नहीं है। अगर कहानी के बारे में छोटा करके बताया जाए, एड और दो भाई है, बेसिकली दो एल्केमिस्ट है, वो सेंट्रल पे आते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा वो जो अपना जो एल्केमिस्ट है उसको एल्केमी जो है वो और ज़्यादा मतलब बेहतर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक अचानक से स्कार बोल के कोई आता है जो कि मतलब एल्केमिस्ट को सभी को टारगेट कर रहे हैं। किस वजह से स्कार ये दुश्मनी मतलब उन लोग एल्केमिस्ट के ऊपर क्या दुश्मनी है, इससे ज़्यादा और जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा ये मूवी फुल मेटल एल्केमिस्ट द रिवेंज ऑफ स्कार। इस मूवी के अगर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए तो मैं यही कहूँगा, इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट एक ही है, बच्चों को ये मूवी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस मूवी में कोई लॉजिक नहीं है, बच्चों को भी वो लॉजिक पसंद नहीं है। उन लोगों को जो एक्शन चाहिए वो उस तरह का एक्शन यहाँ पे है, तो इसलिए बच्चों को पसंद आएगा। तो ये है इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में। नेगेटिव पॉइंट, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इसका कहानी कुछ दम नहीं है, अच्छा कोई बेसिक सा एक कहानी हो वो भी नहीं है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा स्क्रीन प्ले, जिसमें कोई भी जान नहीं है, डायलॉग तो छोड़ ही दीजिए। इसके साथ साथ अगर कहूँ एक्शन, वो भी एकदम मतलब वर्स्ट एक एक्शन दिखाया, और VFX और CGI का काम इतना घटिया है, इतना घटिया मैं क्या ही बोलूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इमोशनल सिक्वेंसेस हैं जिसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया गया है, और जब देखेंगे आप इमोशनली कनेक्ट, वो जो सीन है ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, वो जो एंगेजमेंट का जो वो वैल्यू है वो सही तरह से यहाँ पे नहीं दिया, और सही तरह से यहाँ पे कनेक्ट भी नहीं करवा पाएगा। तो बेसिकली ये जो मूवी है इसमें जो इमोशनल सिक्वेंसेस थे उसको अगर बेहतरीन तरह से ट्रीटमेंट किया जाता और अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता तो ऑडियंस को वो शायद वो जो सिक्वेंस है वो थोड़ा बहुत एंगेजिंग लगता, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है, एक्शन भी अच्छा नहीं है, कास्टिंग का एक्टिंग तो मैंने ओके ओके है, ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। सिनेमाटोग्राफी के बारे में क्या ही बोलूँ, और म्यूज़िक और BGM के बारे में अगर पूछेंगे तो अब मैं कहूँगा कि बिलो एवरेज है। तो ये था मेरे राय। अगर आप लोगों को कोई अच्छा मूवी देखना है तो दूसरा कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपके घर में छोटे बच्चे भाई बहन अगर हैं तो उन लोगों के लिए फुल मेटल एल्केमिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा द रिवेंज ऑफ स्कार। तो ये था मेरे राय। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये कार्टून।